तो लेट्स लुक एट लेक्चर सेवेंटीन टू प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंसिडर करो दो बॉल है ए और बी मूव कर रहे हैं ए का मास एम ए इनिशियल वेलोसिटी यू ए बी का मास एम बी इनिशियल वेलोसिटी यू बी ठीक है बिफोर कोलिशन कहीं तो जाके वो कोलाइड होते हैं जब कोलाइड होते हैं तो व्हाट इज एफ ए बी वॉट इज एफ ए बी फोर्स एग्जर्टेड बाई ए ऑन बी नॉट इज एफ बी ए फोर्स एग्जर्टेड बाई बी ऑन ए ओके ये कोलिजन हो गया इनका कोलिजन के बाद दोनों जा रहे हैं ठीक है ना उसका मास उतना ही रहा वेलोसिटी चेंज हो गया बी एस का मास उतना ही रहा वेलोसिटी चेंज हो गया वी बी ओके तो इस चीज को लेके अपने को क्या प्रूव करना है तो अपने को प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी ये क्या है टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम एंटू बी ए प्लस एम बी इंटू बी बी दोटल फाइनल मोमेंटम तो क्या है लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है क्या टू प्रूव वॉट यू हैव टू प्रूव टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल मोमेंटम कितना एम ए प्लस टोटल फाइनल मोमेंटम कितना है एमएवीए प्लस एमबीवीबी ओके तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके क्या यूज करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन

ऐसे हम समझ लेते हैं ओके फाइन बट वॉट इज फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वॉट इज फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो एफ ए बी क्या होगा एफ ए बी क्या होगा एम ए फोर्स एक्जर्टेड बाय ए ऑन बी एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टाइम तो ये टाइम कैंसिल हो गया तो क्या बचा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी तो अभी इनको एडजस्ट कर लेते हैं इस टर्म को इधर लेके जाते हैं और इस टर्म को इधर लेके आते हैं तो जब माइनस एम बी वी को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एंड दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके जहां पे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी क्या ये यू है ना इनिशियल वेलोसिटी तो दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और एम ए बी ए प्लस एम बी बी क्या है दूसरा कलर देते हैं दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन यही तो चाहिए था अपने को यही तो प्रूव करना था टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम ओके टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम वही तो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया क्या यूज किया हमने सिंपल फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दो ही चीज यूज की हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करने के लिए एक एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए सेकेंड फोर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बस उसके बाद एडजस्टमेंट किया आपने आंसर आ गया दो स्टेप का तो प्रूफ है तीन से चार मार्क के लिए आता है ओके तो इसका समरी भी लिखना होता है तो ऐसे समरी क्या लिखते हैं मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज कंज़र्व्ड मतलब अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर द ओके okay? तो यही तो प्रूव करना था अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके